कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। अब एक नजर आज के हेडलाइन पर। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा औरंगाबाद में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे औरंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर औरंगाबाद के डीएम कंवल तनुज, तमाम न्यायाधीश एवं सभी अधिवक्ता शामिल थे। कार्यक्रम के बाद जिला जज ने बताया कि गांव-गांव तक अपने अधिकारों और कर्तव्यों की कानूनी जानकारी देने के उद्देश्य से इस रैली को रवाना किया जा रहा है, जो 200 गांवों में घूम घूम कर सभी को इसकी विस्तृत जानकारी देगा। प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा स्लोगन है कि न्याय चला जन जन के द्वारा। ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, गिरी हैं, भ्रष्टर हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है, उनको हम अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं और उनके अधिकारों के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि उनका अधिकार उनको दिलाया जाए। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने पिकअप वैन पर तस्करी के लिए लाए जा रहे देसी शराब के 3200 पाउच को बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप जाने वाली है। इसी आधार पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। बारी बारी जब जांच चलने लगी, तब एक पिकअप वैन पुलिस को देखते ही तेजी से भागने लगा। पुलिस भी पीछा कर इन्हें पकड़ने में लगी रही। तब तक मौके और अंधेरे का फायदा उठाकर सभी कारोबारी भाग निकले। पिकअप वैन की जब जांच की गई, तब भूसे में छुपा कर रखा गया 3200 पाउच देसी शराब मिला। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, कल ऐसी गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम कोठानी के अशोक सिंह और जयराम सिंह दोनों सहोदर भाई हैं, जो दोनों शराब की तस्करी करते हैं। पूर्व में भी अशोक सिंह, जयराम सिंह शराबबंदी के बाद जेल गए हैं शराब बेचने और रखने के आरोप में। सूचना के आधार पर यहां से प्रस्थान किया गया। पुवानी मुकेश भगत साथ में थे, पुवानी जनार्दन यादव और सशस्त्र बल गए। दोनों सहोदर भाई अपने पिकअप भांग को लेकर ग्राम कोठानी से निकल गए। उसके बाद सूचना के आधार पर पता करते हुए कि ये भदवा से जाकिम रोड में पिकअप भांग गया है, उस पिकअप भांग का पीछा किया गया। पुलिस की पीछा करने की भनक शराब कारोबारियों को लगा। उसके बाद आशा बिघा के गांव से पहले उन्होंने अपना गाड़ी छोड़कर उतरा। चौकीदार द्वारा बताया गया कि हाँ, फलाना फलाना लोग भाग रहे हैं। गाड़ी पर 3 लोग सवार थे, जयराम सिंह गाड़ी चला रहे थे, बाकी 2 लोग, एक उनके भाई अशोक सिंह, एक गोविंद सिंह, दोनों बैठे हुए थे। इनका काफ़ी पीछा किया गया, लेकिन वो झाड़ी और नदी का फायदा उठाकर वो निकल गए। उनकी गाड़ी को लाई गई, गाड़ी का जो कागजात अवलोकन किया गया वो भी देखा जा रहा है कि अशोक सिंह के नाम से ये गाड़ी है, पिकअप वैन से है। अभी हाल ही में उत्पाद विभाग के द्वारा भी जयराम सिंह पर FIR दर्ज किया गया था। औरंगाबाद शहर का मुख्य बाजार, खासकर रमेश चौक से गांधी मैदान की सड़क पर इन दिनों आवारा पशुओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। गाय, बछड़े, कुत्ते समेत अन्य लावारिस पशुओं की मौजूदगी से इस रास्ते होकर आने जाने वाले राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि आए दिन इन जानवरों के कारण दुर्घटना भी हो जाती है, साथ ही जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ता है। इस मामले में जब नगर परिषद के अध्यक्ष उदय गुप्ता से बात की गई, तब उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में बताया कि जो लोग अपने गायों या अन्य जानवरों को खुले सड़क पर छोड़ देते हैं, उन्हें सड़कों पर ना छोड़ें, अन्यथा उन सभी जानवरों और पशुओं को ट्रक में भरकर जंगल पहुंचा दिया जाएगा।
जिसकी सारी जवाबदेही मालिकों की होगी और उनका कोई भी दावा नगर परिषद स्वीकार नहीं करेगा। शहर के अंदर जो आवारा पशु चल रहे हैं, एक दौर ऐसा आया इस हिंदुस्तान के अंदर जैसे लगा कि गौ को सेवा करने वाले सारे धरती पर जन्म लेकर के आ जाए, लेकिन आज आवारा पशु को देख लीजिए, न इनको पानी का व्यवस्था है, न इनको भोजन की व्यवस्था है। आए दिन रोज घटनाएं घट रही हैं, कभी गाड़ी से धक्का लगती है, कभी इनसे साइकिल वाले को लगता है। आए दिन इन लोग किसी न किसी रूप में अवरोध पैदा कर रहे हैं। बाजार में मुख्य मार्ग पर जितने भी आवारा पशु हैं, और पशु मालिकों से बोला गया है, प्रचार कराया गया है माइक द्वारा भी और पेपर के माध्यम से भी, कि अपने अपने पशु को अपने घर में बांधे या अपने जगह में बांधे, खुले में न छोड़े। एक सप्ताह का टाइम दिया गया है, अगर वे लोग अपने पशुओं को अपने घर में नहीं बांधेंगे, फिर अगर मुख्य सड़क पर उसको खुले में छोड़ देंगे, तो उस सारे पशुओं को हम लोग एक बार और चेतावनी दे करके और किसी अच्छे जंगल में हम लोग सारे पशुओं को ट्रक पर लाद के भेज देंगे। औरंगाबाद में एक महिला ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के न्यू काजी मोहल्ले से जुड़ा है। फहमीदा नाम की इस महिला ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट करने और उसे घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाया है। इधर फहमीदा के ससुराल वालों ने मामले को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि फहमीदा अपनी मर्जी से अपनी माँ के पास रहने चली गई थी। काफी समझाने बुझाने के बाद भी वह ना मानी और अपने पति से तलाक लेकर अलग रहने लगी। ससुराल वालों ने बताया कि इस मामले में कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है और इस मामले से उन्हें बरी कर दिया गया है। मामला क्या है? जी सर, मेरा मामला ये है कि मेरा नाम फहमीदा है और मैं उर्दू लाइब्रेरी रोड पर मोहनिया से, मुझे भभुआ में जजमेंट हुआ था कि जो है आपको वहाँ पर रहने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। उस आदेश के अनुसार मैं मोहनिया से चली हूँ कोर्ट के काम पेपर्स लेकर के, और मैंने अपने घर में ससुराल पहुँच के इन लोगों को दिखाया। दिखाने के बाद कि भाई हमारा ये कोर्ट का ऑर्डर है और आप इसे देख लें, और देख करके मुझे इसमें लैट्रिन बाथरूम और कमरा जो इंतज़ाम है मेरा कर दे। इन लोगों ने पेपर को लिया, फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद गाली गलौज करते हुए मेरे हाथ से, मेरे हाथों को, मेरे बॉडी को पूरा टच करते हुए, पूरे जिस्म को मुझे घसीटते हुए बिल्कुल घर के बाहर कर दिया गया। फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद में जो है थाने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब जो थाना जो भी आदेश करे, वहाँ के तमाम लोगों ने सब कुछ देखा, सब कुछ खड़े होके अपने आंखों से देख रहे थे कि कैसे एक लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। 2004 में शादी हुई थी हमारे बड़े भाई कौशल न्याजी के नाम से, उन्हीं के साथ हुई थी शादी। अच्छा से हम लोग रखे, 2-3 महीना रहने के बाद वो जो ऐसे कि हम लोग पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भभुआ में कर दिया, जो हम लोग सारे परिवार जेल गए। केस चलता रहा, अभी हाल में उस केस का डिस्पोजल हो गया फैसला, जो सारे परिवार बरी हो गए, हस्बैंड को सजा करार दिया, जो मामला न्यायालय में चल रहा है जिला जज में। मेंटेनेंस ये खर्च का मुकदमा की बनारस में, जो खर्च भी अपना ले रही है प्रत्येक माह, और सरी एतबार से इन्हें तलाक हो चुका है। बार बार दावा कर रही है कि हम रहना चाहते हैं। इनका धनमोहर विद्वत का भी पैसा सरी एतबार से ये मेरे लिए रखना हराम है, इसलिए नहीं रख सकते हैं। वो फिर झूठा आरोप लगाते हुए हमारे कि हम रहबे करेंगे, जबरदस्ती जबरन आज 2:30 बजे फोर व्हीलर गाड़ी से 5-6 आदमी के साथ घर में हेल गई जबरदस्ती, हम रहबे करेंगे, मेरी दादी को धक्का दे दिए, माँ से हाथापाई कर ली, जिस कारण हम थाना गए, थाना से मदद हमें मिला।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।